है। अब हम लोग अफसोस की बात हम नहीं कहेंगे कि भाई हम लोग तो फेक न्यूज़ के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, और इसलिए हम तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं फेक, आधा फेक, क्वार्टर फेक, किसी तरह का कोई फेक न्यूज़ हो। ये सब काल्पनिक खबर थी। तो बात ये ज़रूर है कि बिहार में भी लोग ये समझते हैं, हम भी समझते हैं कि माले को मौका मिलना चाहिए राज्यसभा में, ये पार्टी की बात है। और हम लोगों ने इसलिए महागठबंधन में सवाल भी उठाया कि भाई हमारे पास 12, लेफ्ट के पास 16 विधायक हैं, और लगातार हम लोग अन्य दलों को समर्थन दे रहे हैं, तो ज़रूरी है कि राज्यसभा में, MLC में माले को, वामपंथियों को भी मौका मिले। लेकिन कल खड़गे जी का फोन आया, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व, यहाँ तेजस्वी जी से भी बात हुई, तो कुल मिलाकर के महागठबंधन में जो राय बनी उसी हिसाब से हम लोगों ने इस बार के लिए हमारा जो दावेदारी है उसको हमने स्थगित रखा है, और आगे के इसमें रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि पूरी एकता के साथ महागठबंधन का जो पैनल बने। बिहार में साजिश के तहत सत्ता परिवर्तन किया गया है, पहले इन्हीं बातों को NDA के द्वारा कहा जा रहा था, लेकिन अब इस बातों को महागठबंधन की ओर से कही जा रही है। दरअसल भाकपा माले के एक विधायक मनोज मंजिल को एक हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद पूरे भाकपा माले सहित महागठबंधन में खलबली मची है। इस पूरे मामले को लेकर के भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। ये जो फैसला है, मेरे ख्याल से इतना अन्याय फैसला तो बहुत कम देखने को मिलता है। ये पूरा जो केस है बिल्कुल राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित, माले के नेताओं को झूठे आरोप में फंसाने वाला केस है। 2015 में विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुर में हमारे एक किसान नेता की हत्या हुई थी, सतीश यादव, और उसी दौर में किसी एक अन्य हत्या का आरोप लगा करके मनोज जी को और अन्य साथियों को फंसाया गया। और जहाँ तक केस का सवाल है, तो जिस हत्या के आरोप में मनोज जी को अभियुक्त बनाया गया, तो उसकी पुष्टि भी नहीं हुई, और उसमें बावजूद इसके कल न्यायालय ने 23-23 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुना। तो जिस बिहार में एक से एक जनसंहार में, जहाँ 30, 40, 50, 60 की संख्या में गरीबों की हत्या हुई है, बात है बथानी टोला, शंकर बिघा, और किसी एक जनसंहार में भी किसी की आज तक सजा नहीं हुई, उस बिहार में किसी एक कथित हत्या के सवाल पर जिसकी पुष्टि भी नहीं हुई, 23-23 लोगों की ये सजा, ये बिल्कुल बात समझ में नहीं आती है। इससे ज़्यादा मजाक न्याय के साथ और क्या हो सकता है। तो इसका दो संदर्भ है। एक संदर्भ तो भारतीय जनता पार्टी की लगातार ये कोशिश रही है, भोजपुर के अंदर सामंती ताकतों की कोशिश रही है, वो समझते रहे हैं कि भाई माले के नेताओं की हत्या कर दो, जनसंहार कर दो, नेताओं को फंसा दो, जेल में डाल दो, तो इससे शायद गरीबों का आंदोलन जो है रुक जाएगा। और इसी कोशिश में ये लगातार तो माले के नेताओं के साथ ये जो अन्याय ये होता रहा है बिहार में, आप लोगों को पता है। लेकिन जो नया संदर्भ इसके साथ जुड़ गया है, वो है कि आज पूरे देश भर में भी BJP की सरकार है, और ये सरकार पूरी तरह से विरोध को, विरोध की हर आवाज़ को कुचलने पर आमादा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि संसद की अगर बात करें, तो वहाँ थोक भाव से सांसदों का निलंबन हो जाता है, सांसदों को, यहाँ तक कि डिफेमेशन के सवाल पर राहुल गांधी को भी 2 साल की सजा सुना करके संसद से बाहर करने की पूरी कोशिश हुई। अभी झारखंड में मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। तो पूरे देश में विपक्ष की हर पार्टी पर, हर धारा पर, नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। और बिहार में भी हमने देखा कि जो नीतीश जी को किसी तरह जो बहुमत मिल गया, वो पूरी तरह से इसी तरह के तिक्रम के आधार पर,
दूसरे राष्ट्रीय जनता दल के जिन विधायकों को तोड़ा गया वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया गया, और अभी तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जदयू के अपने विधायकों को भी डरा करके प्रताड़ित करके उनको किसी तरह साथ में रखा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र की हत्या पूरे देश में हो रही है, और इस पर्टिकुलर मामले में हमारे नौजवान नेता इसके शिकार हुए हैं। जहाँ तक मनोज जी की बात है, आप सब लोग जानते रहे हैं आज के दौर में देश को, लोकतंत्र को ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है, ऐसे ही संसद में, विधानसभा में जनप्रतिनिधि की ज़रूरत है। लगातार जनप्रतिनिधि तो चुने गए अभी 2020 के चुनाव में, लेकिन अपने छात्र जीवन से लगातार एक के बाद एक आंदोलनों का उन्होंने नेतृत्व किया। हर सवाल पर, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, ज़बरदस्त इन्होंने सड़क पे स्कूल के नाम से बड़ा आंदोलन अभियान शुरू किया जो आज भी जारी है शिक्षा के अधिकार को लेकर के। हमने देखा कि जो CA कानून के खिलाफ, नागरिकता कानून में संशोधन, जिसका एकमात्र कोशिश है, एकमात्र मकसद है कि इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाए, उनको डराने, अलगाव में डालने, असुरक्षा में डालने की कोशिश है, इसके खिलाफ भी आंदोलन में, किसानों के आंदोलन में, और अभी जो उनके ऊपर पार्टी ने नई जिम्मेदारी दी, खेत मजदूर और ग्रामीण मजदूर संगठन के हमारे राज्य अध्यक्ष हैं, तो ग्रामीण गरीबों के संघर्ष में भी लगातार मेहनत करने वाले, विधानसभा के अंदर और बाहर आवाज़ उठाने वाले, तो एक ऐसे नौजवान दलित विधायक, तो इनसे ये जो डर है कि ऐसे लोगों को अगर फंसा दिया जाए, आजीवन कारावास की सजा सुनाई दी जाए, तो विधानसभा में, संसद में, राजनीति में शायद ऐसी आवाज़ नहीं गूंजेगी, ये जो सोच है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक पार्टी पर हमला नहीं है, किसी एक विधायक पर हमला नहीं है, ये पूरे भारत की राजनीति पर, भारत के लोकतंत्र में गरीबों की दावेदारी पर, दलितों की दावेदारी पर, उनकी पहचान, उनके सम्मान, पूरे संविधान पर जो हमला है उसी की एक कड़ी है। तो हम लोगों ने आज तो पूरे राज्य में विरोध दिवस है, और भोजपुर के साथियों ने तय किया कि विरोध सप्ताह गांव-गांव लोग जाएंगे इस सवाल पर। तो एक तो हाई कोर्ट में भी हम लोग जाएंगे न्याय के लिए, और साथ ही साथ जनता की अदालत में भी इस पूरे सवाल को ले जाएंगे। इतना बड़ा अन्याय इस पूरे दौर में, और हमें पूरा भरोसा है कि भोजपुर और पूरा बिहार इसका जवाब देगा। तो जैसा कि आपने सुना, दीपांकर भट्टाचार्य ने यह साफ कर दिया है कि आज देश में पूरी तरह से सामंतवादी ताकतें काम कर रही है, और अपनी ताकत के बदौलत ही बिहार में सरकार भी बदली है, और उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए आज गरीब और दबे हुए लोगों को और दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इन तमाम मुद्दों को लेकर अब वो जनता के बीच जाएंगे और जनता को उनकी पूरी बात की पोल खोलेंगे। उन्होंने साफ कह दिया है कि जनता का समर्थन उन्हें मिलेगा, और इस पूरे लोकसभा चुनाव में NDA सरकार को करारी हार भी देखनी होगी। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।